भागलपुर के बाबूपुर सबौर में जहां चोरों ने रात के समय घर का ताला तोड़कर घर से 2 गैस सिलेंडर, तेल, कपड़े तथा अन्य सामान की चोरी की। सुबह जब ग्रामीणों के द्वारा चोर के घर पर दबिश दिया गया तो चोर बलराम ने चोरी की हुई सामान के बारे में ग्रामीणों को बताया। मौके पर औद्योगिक प्रदेश 0 माइल थाना पहुंचकर चोर को अपने कब्जे में लिया। कौन कौन था चोरी किया हुआ, चोरी में साथ में? चांद, हाँ, और बलराम और छंगुरी और कोई नहीं सर। चांद, बलराम, छंगुरी, तीन आदमी। हाँ। अभी 5 आदमी का नाम बोल रहा था, वो साथ में नहीं था, वो दोनों वो साथ में नहीं था। ये सब कहाँ कहाँ पकड़ाया, कहाँ? इधर इधर देखो, कहाँ कहाँ पकड़ाया? उधर अलग हो गया। अच्छा, चोरी में कौन कौन था? चोरी में था रुका हुआ। अच्छा ठीक है, और कौन? सरपंच का? हाँ, छोटू था। छोटू नहीं था सर, छोटू नहीं था। झूठ काहे के लिए बोलेगा? झूठ काहे बोलेंगे? देखो, जो जो था सही सही बताओ। सही सही बोल रहे। कैसे ताला तोड़ा तुम लोग? रड घुसाया था चौंद, हाँ, और ऐसे करके, हाँ, बस तोड़ दिया। रड घुसा करके तोड़ दिया, तोड़ दिया। चलो, भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत के आदर्श ग्राम नोनसर में महादलित बस्ती के भूमिहीनों जमीन मुहैया नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय का लगा रहे हैं चक्कर। है कि सरकार द्वारा जो घोषणा किया जा रहा है, बार बार आदेश दिया, उनका निर्देश दिया है कि जो भूमिहीन महादलित अति पिछड़ा हो, इनको जमीन नहीं है घर आने के लिए, उनको सरकार जमीन दे रही है 5 जिसमें पर जो है ग्राम पंचायत असिया चक के महादलित हैं, जाति के अनुसार हैं। और इन लोगों ने 2018 से जिला पदाधिकारी महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, अंचल अधिकारी महोदय को सारे जगह आवेदन दे करके थक चुके हैं। जिला से लेकर के अंचल कार्यालय तक दौड़ते रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संदर्भ में हम जनसंसद प्रखंड अध्यक्ष सुल्तानगंज, हमारे पास एक आवेदन आया और हमने अंचल अधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट किया कि लोगों की जो समस्या है, इनके समस्या पर विचार किया जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज कमरगंज गांव के समीप मोटरसाइकिल व टोटो में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। भागलपुर सुल्तानगंज की कृषि भवन कार्यालय में खाद बीज रसीद लेने के दौरान किसानों ने जमकर किया हंगामा व तोड़फोड़। आज जो है कि कुछ तो बता रहे थे कि तिलकपुर, तिलकपुर और इधर मेरठी वगैरह के थे। क्या कह रहे थे उन लोगों, क्या मांग कह रहे थे? मांग था कि जो है कि हमें भी दिया जाए। हमने तो उनको आश्वासन दिया कि आप 1-2 घंटा रुके, पहले जिस पंचायत का है आप उनको कटने दीजिए, फिर आपको भी हम देते हैं। लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, अभी हमको काट के दीजिए। और कहाँ के किसान थे जो अभी काट के दीजिए कह रहे थे? तिलकपुर के थे। तिलकपुर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जो है प्रशांत कुमार है। क्या है आप यहाँ? किसी समय में सर, शेड्यूल के मुताबिक आज खाद वितरण का 4-4 पंचायत का जो किया जा रहा था उसमें अंतिम दिन था, तो हम लोगों ने नियमानुसार अपना यहाँ से परमिट दे रहे थे। अब फिर किसान जा कर के ले रहे थे, तो जो निर्धारित 4 पंचायत का है, भीरखुर्द, असियाचक, गनगनिया और करहरिया का, इन पंचायतों के अलावे मेरठी, तिलकपुर और नगर परिषद के भी आए हुए थे जो कि परमिट लेने के लिए दबाव बना रहे थे। तो जिसमें उनको कहा गया कि हमारा स्टॉक पोजीशन देखने के बाद उनको हम कुछ विचार कर सकते हैं, दिलाएंगे जो आ गए हैं। इस बीच में हम खाद का स्टॉक देखने के लिए बिस्कुमान गए तो मुझे जानकारी मिली कि गेट का फाटक तोड़ दिया गया, जिसमें कि शीशा नुमा फाटक था, तो वो सिटकिनी भी टूटा और वो शीशा भी फूटा। कुछ लोग अंदर घुस गए और उसमें से आधार कार्ड वो लोग लेकर के गए और कुछ मोबाइल भी लेना चाहे, लेकिन आधार कार्ड ले गए, जिसमें से एक मुकेश कुमार के नाम से शिकायत मिली है कि उनका आधार कार्ड नहीं मिला है।
राज्य सरकार के द्वारा लागू पूर्ण रूपेण शराबबंदी पर सवाल खड़ा करने वाले भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने शराब माफियाओं से अपनी जान का खतरा बताया है। विधायक ने कहा कि उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री और सदन में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए जाने पर बिहार के शराब माफियाओं को अपनी रोजी रोटी छिनती दिख रही थी। विधायक ने बताया कि उन्हें यह खबर मिली है कि शराब माफिया उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा आईजी सुरक्षा व्यवस्था को अपनी जान माल की रक्षा के लिए पत्र लिखा गया है। नहीं, डर लगने की बात नहीं है, लेकिन जो ये मैंने शराबबंदी जो हम लोगों ने 4.5 वर्ष पहले सदन में सभी विधायकों ने पारित किया था कि शराबबंदी होना है, वो लागू भी हुआ। लेकिन मैंने देखा और जो सूचना मुझे जनता के द्वारा मिला कि साहब शराब तो हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर में मिल रहा है, और मैंने उसका पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया कि चाहे तो पूरे कड़ेती से शराब बंद करिए और नहीं तो इसको आप दुगनी तिगुनी कीमत खोल के खोलें। तो जो मुझे अभी सूचना मिल रहा है, जो शराब माफिया जो इस काम को पूरे बिहार में कर रहे थे, उनको लग रहा है कि उनका रोजगार बंद हो रहा है। तो जो घुनमुन सुनमुन मुझे जो खबर आ रही है, लगता है कि उन लोग निश्चित तौर पर मेरे विरोध में कोई काम करने का मन बनाए। इसीलिए लगता है कि कुछ हमें सतर्कता, जो जनता से सूचना मिली कि आप सतर्कता बढ़ाइए अपना, क्योंकि माफियाओं चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये विधायक गड़बड़ है, ये हम लोग का रोजी रोटी पर लात मार रहा है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के माड़वाड़ी पाठशाला के सामने एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब शव को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके चपेट में एक बुलेट बाइक सवार और रिक्शा पर सवार बुजुर्ग दंपति आ गए। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। यहाँ जो है बहुत संजोग ऐसा था कि किसी की भी जान नहीं गई है, सब लोग थोड़ा मोड़ा जो है चोट में ही जा गए, और नहीं तो बहुत बड़ी घटना आज घट सकती थी। जो हिसाब से कि सप्ताह से ट्रक का पूरा गुल्ला देख रहे हैं कि टूट गया है, इस हिसाब से बहुत बड़ी घटना हो जाती है, 2-3 मंजिल तो निश्चित हो जाता है इस ट्रक से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिल सिंह है, घर का हूँ, यही बागवानी भागलपुर। भागलपुर के मायागंज में इलाजरत पूर्णिया सेंट्रल जेल के बंदी बांग्लादेश के मलिकपुर निवासी मोहम्मद तौफीक की मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। कैदी था पूर्णिया के, पूर्णिया से रेफर हुआ था पूर्णिया सदर हॉस्पिटल से भागलपुर हॉस्पिटल। इलाज के दौरान बीमारी था, बीमारी वहाँ से रेफर डॉक्टर किया। क्या नाम था कैदी का? तौफीक मोहम्मद। बांग्लादेश का? बांग्लादेश का। कौन किस में रहता है? ये उग्रवादी के नाम पर नहीं होता, घुसपैठ में उसी में पकड़ा जाता है। घुसपैठी में पकड़ा जाता है। इसको क्या चीज में दर्द हुआ जो यहाँ आया? उसको तो उसका भाषा ही नहीं हम समझते क्या बोलते, लेकिन डॉक्टर साहब उसको रेफर कर दिए, तो हम लोग वहाँ से रेफर किया, तो हम लोग ट्रीटमेंट मानसिक में ट्रीटमेंट कर रहे थे इसका। कब लाए थे इसको? इसको लाए थे 10 तारीख 10 दिसंबर को। अब मौत कब हुआ? मौत हुआ कल, हुआ 9:25 में इसका मौत। भागलपुर सुल्तानगंज के कमरगंज गांव के समीप सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद परिजनों ने रेफरल अस्पताल के चिकित्सक एवं प्रबंधक के लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने रेफरल अस्पताल के प्रांगण में धरना दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे गांव के जो रिलेशन में भतीजा लगता था, उस पर बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें 3 इंजर्ड हुआ और सभी को सुल्तानगंज रेफरल लाया गया। दुख की बात है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये निकम्मे डॉक्टर सब उस पेशेंट के साथ, एक ये कहा जाए कि बस सुलूकी किया गया। पेशेंट ऑटो पर है, ऑटो पर से उतार करके उसको इलाज करना चाहिए, वो इलाज नहीं हुआ। दूसरा जो पेशेंट था, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए इसको, ये जो बैठने के लिए जो सीट है जो सीमेंट का बनाया गया है, इस पर दूसरे पेशेंट को सुलाया गया है, उसको कोई भी इलाज नहीं हुआ।
आखिर ये सीमेंट पर यदि बैठाने की बातचीत है, सुलाने की बातचीत है, तो फिर बेड किस लिए सरकार दी है? बेड पर क्यों नहीं उसको इलाज अपने डॉक्टर अपने देख रेख में इलाज क्यों नहीं किया? किस जो मृतक था, मृतक छटपटाते रह गया, लेकिन ना के ना जो है ऑटो से उतार करके ले गया अपने बेड पर, ऐसा नहीं किया। ये ऐसे निकम्मे डॉक्टर, हमको तो लगता है कि ये थैला छाप से भी खत्म डॉक्टर है। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के कदवा मोहनपुर में बीते दिनों हुई मामूली विवाद में पड़ोसी के द्वारा गोली मार दिया गया। गोली युवक के दाएं पैर में लगी है। घायल युवक की पहचान रोशन कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गोराडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की छानबीन में जुट गई है। गुड्डू चौधरी कहे के लिए मारा? इधर से हम आ रहे थे खेत से, तो गोली चला दिया। कहे के लिए मारा? तो हम नहीं जानते हैं। कोई दुश्मनी वगैरह है पहले से?